हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अभी मेरा एक स्टूडेंट है राज, तो उसने मुझे एक मेल किया था और क्वेश्चन पूछा था कॉल करके। क्वेश्चन ये था कि सर, हम लोग जब साइट पर ड्राइंग देते हैं तो पूरी एक पीडीएफ रहती है, और हम लोग जो सीखते हैं वो सिंगल सिंगल पीडीएफ सीखते हैं। मतलब जनरली आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सीखा होगा, जहाँ पे जनरली आपको सिंगल सिखाया जाता है। तो हमें एक्चुअल में कैसे ड्राइंग देना है, मीन्स जो आप मल्टीपल पीडीएफ्स रहती हैं वो कैसे देनी है साइट पर, वो पूछ रहा था। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना देता हूँ और आप सबको ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता रहता है ऑटोकैड सीखने के बाद भी कि किस तरीके से मल्टीपल फाइल्स को एक पीडीएफ में बना के प्रिंट करते हैं। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ, तो आपके लिए बेटर हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा और वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलो चलो देखते हैं गाइस। आप सबने देखा होगा साइट पर एक किस तरीके से पेज 34 पेज का, 30 पेज का एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्राइंग का सीट आता है। देखो यहाँ सामने दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ। आपको अगर ये चाहिए कि कैसे बनाना है, देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दे रहा हूँ, लिंक कर दे रहा हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा वैसे टॉपिक है वो टॉपिक है कि पीडीएफ को मर्ज कैसे करेंगे। अगर आपको चाहिए कि सर ये इस तरीके से कैसे बॉर्डर बनाते हैं और किस तरीके से पेज सेटअप करते हैं, तो नीचे लिखो सर पेज सेटअप, सिर्फ इतना लिखो सर पेज सेटअप, तो मैं समझ जाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये सब हम लोग लिस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, आरसीडीसी से भी ड्राइंग आ जाती है हमारी, आरसी कैट से भी आ जाती है, जिससे भी आपने निकालना है वो ड्राइंग पूरी पूरी आ जाएगी। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें रहेंगी, सारी डिटेलिंग्स, किचन की, प्रॉप की, ट्रस की, पर्लिन की, मेन ट्रस की, स्लैब की, जो भी है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पेज सेटअप कर लेते हैं, A2 पेपर साइज, A4 पेपर साइज, वैसे जनरली A2 ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर जनरल नोट्स भी जो रहते हैं, वो सारा नोट्स भी आपको चाहिए तो प्रिंट कर सकते हो। उसके अलावा आपको रेनफोर्समेंट की ड्राइंग देनी है किस तरीके से, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट इस तरीके से ड्राइंग आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ये आपके पास कॉलम का सेंटर लाइन आता है। क्या आता है? सेंटर लाइन आता है। सेंटर लाइन के बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपके पास आ जाएंगी ड्राइंग जिसमें आपका सारा डिटेलिंग, फुटिंग वगैरह का डिटेल रहता है। उसके बाद ये आपका जो डिटेल है, जो इसमें आपका फुटिंग के साथ आपका हर एक सेक्शंस का, मतलब कॉलम के शेड्यूलिंग का आपका पूरा रिजल्ट रहेगा। तो कुल मिला के आप इसको देख लीजिएगा। इस तरीके से अगर पीडीएफ को मर्ज करना हो, एक पीडीएफ का दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कई लोगों मैंने देखा हो पीडीएफ मर्ज जाके वो ऑनलाइन वाला जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उससे करते हैं। करने की जरूरत नहीं है, आपके ऑटो कैड में ये हो जाएगा, आपके ऑटो कैड में ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे? इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन शुगर ज्यादा खाओगे तो नुकसान करता है। तो इस तरीके से आपके पास ड्रॉइंग आ जाएगी। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे प्रिंट करेंगे। अगर एक से ज्यादा पीडीएफ आपके पास, एक से ज्यादा ड्रॉइंग्स हो गई आपके पास, तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे? तो उस बच्चे ने, राज ने मुझे यहाँ पर ड्रॉइंग्स भी भेजी हुई है, ये देखिए उसकी ड्रॉइंग्स है। अब मैं चाहूँ तो एक एक करके सबको करूँ, मैं कुछ ड्रॉइंग्स को इसमें से ले ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि उसको एग्जाम्पल देखना था। तो सपोज एक ड्रॉइंग ये ले लिया हमने, एक ड्रॉइंग हमने ये ले लिया, एक ड्राइंग ये ले लिया। अब क्या है इस ड्राइंग में वो मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख लेना इसमें क्या है। चलो बहुत ले लिया, 5 ड्राइंग बहुत है। सपोज 5 ड्राइंग आ गई हमारे पास, कितने आ गई? 5 ड्राइंग्स आ गई हमारे पास। अब इनको मर्ज करके पीडीएफ बनाना है, इनको मर्ज करके पीडीएफ बनाना है। तो उसके लिए पहले तो आप ऑटोकैड खोलो। देखो ऑटोकैड मेरा यहाँ पर है, मैं 2016 वर्जन यूज करता हूँ, काफी बेहतरीन है, इसकी वजह से इसको यूज करता हूँ। तो ये है बहुत ही मस्त। पहले मैं रैबिट को बंद कर देता हूँ, इसमें कुछ काम कर रहा था। यस, जब एक साथ दो सॉफ्टवेयर को चलाओगे तो आपका जो डिस्क होता है फुल होने लगता है, फिर स्लो चलता कर देता है लैपटॉप को। तो गाइस जैसे कि मैंने एक इसको ओपन कर लिया, क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। अब क्या आपको लेआउट बनाना नहीं आता? अगर नहीं तो नीचे कमेंट करो सर लेआउट बनाने का, पेज सेटअप बनाने का तरीका बता दीजिए, डेफिनेटली बनाऊंगा, जल्दी ही वीडियो बना के कर दूंगा, अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो नहीं देना चाहिए। चलिए, तो अभी मुझे ड्राइंग यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। तो मैंने सपोज ये ड्राइंग ले ली, तो कहो तो इसको ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक ड्राइंग, करेक्ट, एक ड्राइंग आ गई, ड्राइंग नंबर 1। इसने पेज सेटअप वैसे कर रखा है ऑलरेडी, तो अच्छा है, अपने लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो बोलो, मैं करके बता दूंगा। दूसरा एक और ड्राइंग ले लिया हमने स्टेयर केस का, 2 ड्राइंग आ गई। तीसरा हमने एक और ले लिया कॉलम शेड्यूलिंग का। ठीक है, जितने भी हमारे पास ड्राइंग है हम सब ले ले रहे हैं। आपके पास और है तो और ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आ जाएंगे। चौथा हमने ले लिया, एक और ले लेते हैं, बीम शेड्यूलिंग तो है हमारे पास, स्लैब की डिटेलिंग ले लेते हैं।
ये सब आरसीडीसी से निकला हुआ है, ये मेरा स्टूडेंट है, इसने आरसीडीसी से निकाला होगा सारी ड्राइंग्स, ठीक है। तो अब ये मेरा मेन टैब है, ये क्या है, मेरा मेन टैब है, यहीं पर सारी ड्राइंग्स आपको लेके आना पड़ता है। इसको सेलेक्ट कर, बीम को पूरे को सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी आता है ना, कॉपी कमांड, कंट्रोल सी लिया, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हैंग करेगा लैपटॉप आपका, तो जेड इंटर, ए इंटर, चेक करेंगे आया है कि नहीं, आ चुका है हमारी ड्राइंग, ठीक है, एक ड्राइंग आ गई। तो अब इसको आप बंद कर दो क्योंकि ये तो हमारे पास आ चुका है। दूसरा डिटेलिंग है स्टेयरकेस का, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, आओ और इस जगह पे यहां पर कंट्रोल डी कर दो, थोड़ा सा इंतजार करना तो ऑटोमेटिक ये भी आ जाएगा, ठीक है। छोटा बड़ा करना है पेज सेटअप को, आराम से आप स्केल स्केल कर सकते हो जैसा आप चाहो, ठीक है, कोई आपको मना नहीं करेगा, ड्राइंग आपकी है, आप अपने हिसाब से इसको करो। तो मैंने सपोज इसको 2 साइज बड़ा कर दिया स्केल को, जैसे कि ऐसे इक्वल में दिखे ड्राइंग, इसलिए इसको सेलेक्ट करके हमने मिरर कर दिया, सॉरी मिरर का मूव कर दिया, ऐसे दो ड्राइंग हो गए हमारे पास, ठीक है। दो ड्राइंग के बाद एक और ड्राइंग ले लेते हैं, जैसे कि आपको लगे हाँ हाँ नहीं, दो ड्राइंग तो कर ही लोगे आप लोगे, ठीक है। अभी लैपटॉप मेरा हैंग कर रहा है इसलिए मैं 3 ही लेता हूँ, नहीं तो लेने को तो मैं 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, 6 ले लूँ, कितना भी ले सकते हो। सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी इसको भी कर लिया, ओके। इसके बाद यहाँ पर आते हैं ड्राइंग पे, और यहाँ पर आने के बाद गाइस यहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं सब कवर करके दे देता हूँ आपको, तो बस इतना काम कर दिया करो। अच्छा लगा करे तो टेलीग्राम ओलीग्राम पे थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, अच्छा रहेगा। अच्छा भाई 3 ही लेते हैं, लेने को और ड्राइंग भी ले सकते हैं हम, लेकिन आप देख लो इसकी स्थिति जो है वो कह रही है कि बस करो यार, बहुत हैंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने 3 ही ड्राइंग सपोज लिया, ठीक है, अभी 3 ही लेते हैं क्योंकि बहुत हैंग कर रहा है आपने देखा सामने, तो मैं इनको बंद कर देता हूँ। सपोज 3 ड्राइंग्स हमारे पास हैं, एक और ले लें क्या, चलो एक और ले लेते हैं, इसको एक्स कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, हमारे पास 4 ड्राइंग्स हो जाएंगी, मजा आएगा, कम से कम 4 पेज की तो ड्राइंग बने। इन चारों ड्राइंग्स को हमको मर्ज करना है, क्या है, ये 4 ड्राइंग्स आ चुके हैं आपके पास। अब सेटअप वोटअप आप कर सकते हो, अगर सेटअप करना नहीं आता तो मुझे बोलना, ये सेटअप तो आरसीडीसी से आया हुआ है, बट आपको करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं मॉड लेआउट टैब में, ठीक है। अब मैं सबको बंद कर दूंगा, मतलब पुराने जितने टैब हैं सबको बंद कर दो, सिर्फ एक टैब खुला होना चाहिए जिस टैब में आपकी सारी ड्राइंग्स आ जाए। कितनी ड्राइंग्स हमारे पास, 4 ड्राइंग है, ठीक है। जैसे उसमें तो देखा आपने 34 पेजेस थे, तो 34 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी हमने 4 लिया, इसमें से एक एक करके सबको करेंगे। तो लेआउट 1, ठीक है, लेआउट 1 पे आप इस ड्राइंग का जो भी नेम है वो नेम दे दो, मुझे याद नहीं है इसका, आई थिंक क्या नाम है इसका, बीम डिटेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आके डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा, फिर इसको कुछ इस तरीके से सेटअप कर दो, कर दिया इसको सेटअप, फिर इससे बाहर आ जाओ। कैसे बाहर आओगे, इससे PS प्रिंट स्पेस कमांड होती है, उससे बाहर आ जाओगे, तो ये आगे बाहर देखो, अभी वीडियो को पूरा देखो क्योंकि इसको टाइम तो लगेगा आपको, ये तुरंत थोड़ी होगा। यहाँ पर जाओ, नाम दे दो बीम, ठीक है, अब डिटेल डिटेल अपना लिख दो जो लिखना है। इसके बाद लेआउट 2 पे जाओ, यहाँ पे जाओ, थोड़ा इंतजार करो, दूसरी वाली जो ड्राइंग है इसका नाम क्या है, अच्छा स्टेयर केस का है, ठीक है। तो ये आपने सेट कर दिया दूसरी वाली ड्राइंग को, किसका है ये, स्टेयर केस का, तो राइट क्लिक, रीनेम, फिर से हमने प्लस पे क्लिक किया, लेआउट पे थोड़ा और इंतजार करो, बोलो सर कितना इंतजार, तो भाई इंतजार का फल मीठा होता है। डबल क्लिक, और ये जो ड्राइंग है इसको भी आप इस तरीके से सेटअप कर लो, कर लिया, यस, राइट क्लिक, इसको भी रीनेम कर दें, ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो जो भी है आप यहाँ पे लिखते जाओ, बस याद रहे ना कि कौन से ड्राइंग में क्या है, ठीक है। फिर से हमने एक बार प्लस कर दिया लास्ट, ठीक है। ऐसे जितने लेआउट हैं आप उतने बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे होने चाहिए जिससे कि टाइम आपका बचे। लास्ट है ये, और ये थिंक ये स्लैब का था, तो ये देखो स्लैब,
अगर पीडीएफ मर्ज कमांड वमांड पीडीएफ मर्ज ऐसे सॉफ्टवेयर से करोगे तो मजा नहीं पाओगे, ठीक है। इसी से करना, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे दे दो इसको, बस ये मान लो कि स्लैब है, ठीक है। आप क्या करो, बीम स्टेयर्स कॉलम और स्लैब सेलेक्ट, हाँ जी, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिख देना पब्लिश, क्या कर देना, पब्लिश करके कमांड आती है, ये देखो पब्लिश कमांड है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे थोड़ा सा इंतजार करना, पब्लिश का सारा कॉन्फ़िगरेशन आता रहेगा आपके पास, आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप पीडीएफ में करोगे कि किसी और में, हमने कहा पीडीएफ में ही करेंगे, पीडीएफ को बाद में प्रिंट कर सकते हैं, तो पीडीएफ में आ गया हमारे पास, ठीक है। DWG2 पीडीएफ, आपको इसमें ऑटो कैट पीडीएफ हाई प्रिंट फाइल मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन में रखना लेना है, अच्छे क्वालिटी में करना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट हो जाएगा, बट अगर केवल DWG2 PDF तो ये ले लो, सबसे बेटर रहता है। अब इसमें देखो आपका जो मॉडल टैब है ये वाला, इसकी भी ड्राइंग रहती है, यहाँ पर आ जाती है। अगर आपको चाहिए इसकी ड्राइंग तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ पे ए प्लस का है तो ये क्या होगा, रिमूव, रिमूव सीट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पब्लिश ऑप्शन पे जाओ, कहाँ जाओ भाई, पब्लिश ऑप्शन पे जाओ, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मल्टी सीट फाइल होनी चाहिए, अगर मल्टी सीट फाइल नहीं है तो फिर बनेगा नहीं आपका लिस्ट में, ठीक है जी। और इसके बाद कर दो ओके, कर दिया, करेक्ट। आप इसको 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 सबको सेलेक्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ नहीं, बस आपको इसके बाद एक काम करना है, उसका नाम है पब्लिश करना ही पड़ेगा। किया पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है क्या नाम रखोगे इसका, ड्राइंग वन चलेगा, दे दो, या फिर क्या बोलते हैं, ठीक है ड्राइंग वन ही दे देते हैं नाम, और इसके बाद इसको क्या बोलते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव करंट लिस्ट सीट, हमने बोला यस, सेव करना चाहते हैं फाइल को, और इसके बाद ये आएगा इसको क्लोज कर देना, और फिर जस्ट पब्लिश पर क्लिक करना, और फिर इंतजार करना, इंतजार जैसे ही करोगे तो बोलेगा प्रोसेसिंग कंटिन्यू हो चुकी है, चल रही है, ठीक है। जब चल रही है तो इसको बोल दो अच्छा ठीक है, थैंक यू, क्लोज कर दिया। नीचे एक मैसेज जल्दी ही आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में, यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पे चल रहा है पब्लिश जॉब इन प्रोसेस, ठीक है, तो प्रोसेस में है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तुरंत यहाँ दिखा देगा मैसेज, जैसे ही आ जाएगा हम लोग चलेंगे फिर वहाँ पर गोडाउन में चेक करने के लिए कि मटेरियल पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अभी प्रोसेसिंग में है, थोड़ी बाइक फाइल अपनी थोड़ी हैवी थी इसकी वजह से आराम से कर रहा है वो, तो इस तरीके से। तो गैस इसमें आपका पेज सेटअप भी किया जाता है, ठीक है। अगर आपको पेज सेटअप करना नहीं पता है कि A4 के लिए, A3 के लिए, A2 के लिए कैसे करना है तो करो नीचे कमेंट, तो डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बाकी तो मैंने ऑलरेडी आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पे बहुत से वीडियोस बना रखे हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड नहीं कर पाया था क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि लाइव क्लास इन द सेंस यूट्यूब लाइव में ऐसा होता है कि पढ़ाने कुछ और क्वेश्चन और भी लोग और कुछ और ही लोग पूछने लगते हैं तो उसमें चला जाता है टाइम। तो देखो थोड़ा सा टाइम, देखो 2 पेज पहुंच चुके हैं हम लोग, 2 of 4 दिखा रहे हैं। छोटी फाइल रहती है तो तुरंत हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो वर्कबुक वगैरह बनाना रहता है लोगों को, Day 1, Day 2, Day 3, वो आप यहाँ से ही आराम से बना सकते हो वर्कबुक, ठीक है। वो जो ड्राइंग आपने देखा क्या बोलते हैं अपना जो स्ट्रक्चर की, अगर वो ड्राइंग चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको भेज दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाके वो ड्राइंग देख सकते हो आप, अपनी पूरी डिटेलिंग से आपको समझ आ जाएगी अच्छा कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोसेस अप्रॉक्स 2 कवर लाइक कंप्लीट हो चुका है, ये क्या बात है, बधाई हो, कोई भी वार्निंग वार्निंग नहीं आया है, चलें क्या देखने के लिए, चलो ठीक है, फिर गाड़ी निकालो चलते हैं। यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में वो फाइल सेव थी, उस फाइल का नाम था Drawing 1, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर Drawing 1 नाम से कौन सी फाइल है, मेरे पास फाइल बहुत होती है तो इसकी वजह से आपको थोड़ा ध्यान से, आई थिंक यही वाला फाइल होना चाहिए। देखा हमने इस फाइल को, और जैसे ही देखा तो पेज नंबर 1 पे हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, पेज नंबर 2 पे हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, पेज नंबर 3 पे ये फाइल आ चुकी है, पेज नंबर 4 पे ये फाइल आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा उड़ा कर सकते हो, आपको पता ही है ना, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। आपको जितने पार्ट्स में करना है, जितनी ड्राइंग्स बनानी है, सेम मेथड है, इसको आराम से सीख लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एंजॉय करना। कहीं पे भी जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर ये काम नहीं कर पाओगे ना तो बोलेंगे क्या सीख के आए हो, ठीक है। तो आपकी इंसर्ट होगी, इससे बेटर है कि सीख लो यार,
बेइज्जती से अच्छा है कि थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। चलो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर वेयर कर देना, और ये सारी ड्राइंग्स आपको चाहिए रेफरेंस ड्राइंग्स तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है नीचे, उसको ज्वाइन करो, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।